Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Estran, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Namaskar, main Mohitender Singh aur aap dekh rahe hain MTTV India. Aur aaj baat MTTV India ke asar ki. Yeh asar yeh batata hai ki kyon samaj ko digital media ki zarurat padi. दरअसल पिछले सप्ताह एक महिला एमटीटीवी इंडिया के ऑफिस आई, जहां महिला ने आबकारी में कार्यरत पुलिसकर्मी द्वारा उसकी दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़ित महिला ने बताया कि आबकारी का पुलिसकर्मी रेंट एग्रीमेंट नियमों का उल्लंघन कर अब दुकान खाली करने का नाम ही नहीं ले रहा। एमटीटीवी इंडिया के दफ्तर आकर महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए और तभी एमटीटीवी इंडिया की टीम ने सोचा कि क्यों ना पीड़ित महिला को इसका हक दिलाया जाए, जिसके बाद एमटीटीवी इंडिया ने संबंधित थाना अधिकारी को पूरा मामला बताया और खाकी वर्दी पहनने वालों के माध्यम से इस तरह महिला को परेशान करने पर सवाल दागे। तब जाकर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सिर्फ दो ही दिनों में पूरे मामले का निस्तारण कर दिया। और इस निस्तारण के साथ ही एक बार फिर एमटीटीवी इंडिया ने अपना सामाजिक सरोकार और जिम्मेदारी को पूरा किया है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये पीड़ित महिला का पूरा दर्द। एक्चुअली मेरे एक शॉप दी हुई थी फाइसागर रोड पे, स्वास्तिक नगर कॉलोनी के जस्ट सामने, और जिनको शॉप दी है वो शुरू से फर्जीवाड़ा ही कर रहे हैं मेरे साथ। 3 साल हो गए शॉप को रेंट पे दिए हुए। तो पहली बात, उन्होंने एग्रीमेंट अपने नाम से नहीं बनाया, किसी थर्ड पर्सन के नाम से बनवाया। वो एग्रीमेंट खत्म हुए भी अब 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद ना तो वो बंदा एग्रीमेंट बनवा रहा है, ना अभी इन 2-3 महीनों से मैं उसको 1 साल से बोल रही हूँ शॉप खाली करने के लिए, क्योंकि उस पर काम भी वो जो उसने लिखवा मतलब बोला था मुझे वो नहीं होके अलग करवा रहा है। अब शॉप खाली नहीं हो रही, रोज़ की रोज़ लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं इस चीज़ को। वो शायद कोई पुलिस अधिकारी में ही काम करता है, इस वजह से थोड़ा अपने ही तेवर में बात करता है। अभी 2-3 महीने से ना तो मेरा किराया दे रहा है, ना लाइट का बिल जमा करवा रहा है। तो मैं 2 दिन पहले इसकी शॉप में सिर्फ बात करने गई कि भैया आप मेरी शॉप खाली करो, जो भी बात है मेरे को शॉप देनी नहीं है आपको। तो बात बढ़ गई, गाली गलौज तक हो गई। उसके बाद मैंने हैंड ऑन पुलिस चौकी मतलब मारपीट तक बात हो गई, 1.5 घंटे तक वहाँ पे लड़ाई चलती गई। तो मैंने रिस्कपाल जी को पुलिस चौकी फ़ोन किया कि सर ये बात है और बंदा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, आप पुलिस से किसी को भेजिए, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल हाथ उठाने पे आ गया, गाली गलौज कर रहा है। तो उन्होंने कहा आप चौकी आ जाइए। उसके बाद भी कंटिन्यू लड़ाई 1.5 घंटे तक चली गई। बंदे ने बहुत ही बदतमीजी की मेरे साथ और खुली धमकी दी है मेरे को कि ये तो शॉप मैं बंद नहीं करूँगा, और अगर मैंने दे भी दी तो ये किसी के बाप में दम नहीं है, खोल के दिखा दे। गाली गलौज तक आ गया, ना तो वो शॉप खाली करने के लिए एग्री हो रहा है। उसके बाद मैं गई चौकी, चौकी गई तो CI सर खुद बैठे हुए थे। मैं रोती हुई कंडीशन में चौकी गई हूँ, CI सर से बात हुई, CI सर ने बोला ठीक है आप एप्लीकेशन लिख कर दे जाइए। मैंने एप्लीकेशन दे दी। CI सर के जाने के बाद वहाँ पे 2 जने और बैठे हुए थे, नंदकिशोर जी थे और एक और थे, बट उन्होंने मेरे को बोला आप गंज थाने जाइए। मुझे वहाँ से गंज थाने भेज दिया गया उसी कंडीशन में। गंज थाने के ही रिस्कपाल जी बैठे हुए थे, उन्होंने एप्लीकेशन देखी और मैं से ले ली। मैंने कहा सर इसकी कॉपी, बोला नहीं आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड डे मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका केस एक छोटे कॉन्स्टेबल को दे दिया सुखदान जी को कि वो हैंडल करेंगे। तो पहले तो मैंने रिस्कपाल जी को बोला सर आप इतना मेरा मैटर ऐसा है उनको दे रहे हैं, आप हैंडल कीजिए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुखदान जी को मैंने फ़ोन किया कि सर ठीक है आपके हैंडल में है केस, तो आप क्या कर रहे हो बताइए, क्या हुआ, कब आना है मुझे, या आप कब आ रहे हो या उसके शॉप वाले से बात करने। बोला हम आज बिजी हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में फ़ोन किया रिस्कपाल जी को, सर क्या हुआ, बोला आज हम बिजी हैं। शाम को फिर मैंने फ़ोन किया, सर क्या हुआ, हम बिजी हैं। मतलब 2 दिन हो चुके हैं इस मैटर में, एक लेडीज़ के साथ बीच चौराहे पे बदतमीजी हुई है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है इस मैटर में। हम बिजी हैं। बिजी मतलब क्या, मतलब आज वो लोग वेट कर रहे हैं क्या कि मेरे साथ भी रेप हो गए, मुझे जिंदा जला दिया जाएगा उसके बाद एक्शन लेंगे? ये पुलिस ये काम कर रही है? अगर बिजी है वो बिजी है तो 2 जने और भी तो हैं। पुलिस एक ही से पुलिस चौकी छोड़ना है सिर्फ जो एक ही जना काम कर रहा है? चलिए शॉप का मैटर तो साइड में हो गया कि वो बंदा खाली नहीं कर रहा है, उसको तो हम 4 दिन बाद भी दे सकते हैं, लेकिन बीच चौराहे पे एक लेडीज़ पे अगर बंदे ने हाथ उठाया तो क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं? जबकि CI सर के सामने मैं एप्लीकेशन देख के आई हूँ। तो क्या कर रहे हैं CI सर और क्या कर रहे हैं गंज थाने? आज मैंने पुलिस चौकी नाना करके 5 फोन किए गंज थाने में, बार बार ये बोले हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? जो बंदा मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है वो शॉप पर बैठा है आराम से, जबकि कोई इसमें लीगल प्रोसेस है कुछ भी नहीं है। सिर्फ जाना है उस बंदे से, पूछना है कि आपके पास एग्रीमेंट है, क्या आपके पास इस शॉप के पेपर है? कुछ नहीं, वो लोग 2 कॉन्स्टेबल जाके शॉप को खाली करवा सकते हैं, छोटा सा मैटर है। प्लस सरकारी नौकरी में वो बंदा है जिसने लेडीज़ के साथ बदतमीजी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं है जिसके खिलाफ। बनवारी लाल जाट है, कोई पुलिस अधिकारी में ही उसकी नौकरी है, शायद इसी वजह से पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे मेरे ख्याल से। पुलिस से शिकायत की थी कि मारपीट आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिखित
कितनी देर तक कोई पुलिस आपके पास नहीं आई। मैंने पुलिस चौकी में जब मैं उसकी शॉप पे गई तो मैंने तो भी फ़ोन किया रिसपाल जी को, सर मैं उनकी शॉप पे आई हूँ, ये मेरी शॉप खाली नहीं कर रहे, मेरे को बदतमीजी कर रहे हैं। तो उन्होंने ठीक है देखते हैं। उसके बाद जब रोड पे चिल्लाने की आवाज़ें गई तो बिल्कुल चिल्लाने की आवाज़ रिसपाल जी ने सुनी है फ़ोन पे, और मैंने रोते हुए फ़ोन किया कि सर ये बंदा मेरे पे हाथ उठा रहा है और मैं चाहती हूँ आप अभी लाइव आइए यहाँ पे, ताकि कम से कम 20-25 जने मेरे साथ थे, वो लोग भी मेरे साथ थे कि हाँ मैडम आप इसको अंदर करवाइए। वहाँ के लोगों ने भी मुझे यही चीज़ बोली है कि नहीं मैडम इस बंदे से आप शॉप खाली करवाइए, काफ़ी बदतमीज़ है, बेटर यही है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस टाइम तो नहीं आई, लेकिन इस दो दिन में तो एक्शन, आज 48 घंटे हो चुके, पुलिस का ना कॉल आया है मेरे पास ना एक्शन लिया गया है इस बात के लिए अभी तक। मैं परसों रात में स्वास्तिक नगर है ना फाइसागर रोड पे, उसके जस्ट सामने की शॉप है, दीपा केवल रामानी।